नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के काशीपुर बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। प्रदेश महामंत्री भाजयुमो रविपाल ने किया प्रधानमंत्री का स्वागत। बीते दिन रुद्रपुर में मोदी मैदान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां उन्होंने जनता को संबोधित करने के साथ ही विजय शंखनाद रैली निकाली। वहीं प्रधानमंत्री का स्वागत करने काशीपुर से भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रविपाल भी पहुंचे, जिस दौरान उनकी पीएम मोदी से हुई वार्ता। आइए हम नजर डालते हैं काशीपुर के दिन भर की अन्य खबरों पर। विजय शंखनाद रैली में सम्मिलित होने पहुंची अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष प्रियंका अग्रवाल। आर्य पुस्तक भंडार ने न्यू सेशन के लिए विद्यार्थियों को दी बधाई। कल होगा बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तराखंड के सद्भावना रोजा इफ्तार एवं स्नेह संवाद कार्यक्रम का आयोजन। विद्युत विभाग ने चलाया विद्युत चोरी के विरुद्ध अभियान। काशीपुर पुलिस ने अभियुक्त को एक अदद नाजायज चाकू के साथ किया गिरफ्तार। पुलिस ने एक अभियुक्त को एक अदद नाजायज तमंचा 12 बोर व एक जिंदा कारतूस 12 बोर के साथ किया गिरफ्तार। खबरें विस्तार से। अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष प्रियंका अग्रवाल अपनी सैकड़ों कार्यकर्तियों के साथ बीते दिन हुए रुद्रपुर में विजय शंखनाद रैली में सम्मिलित होने पहुंची, जिस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सभी ने मिलकर सुना। साथ ही आगामी दिनों आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत की बात भी कही। काशीपुर के मुख्य बाजार स्थित आर्य पुस्तक भंडार स्वामी राजेंद्र कथूरिया द्वारा स्कूलों में न्यू सेशन शुरू होने पर सभी विद्यार्थियों को बधाई दी गई एवं इस खुशी में बच्चों के लिए नए सिलेबस पर खास डिस्काउंट की जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तराखंड के द्वारा आयोजित सद्भावना रोजा इफ्तार एवं स्नेह संवाद कार्यक्रम में कल मुख्य अतिथि के रूप में नैनीताल उधम सिंह नगर सांसद प्रत्याशी अजय भट्ट मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष काशीपुर गुंजन सुखीजा भी विशिष्ट अतिथि के रूप में इस दौरान मौजूद रहेंगे। बता दें ये कार्यक्रम कल शाम 5:30 बजे आयोजित किया जाएगा। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। विद्युत विभाग द्वारा लगातार अभियान चलाकर विद्युत चोरी करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी के चलते विद्युत विभाग में अभियुक्त द्वारा मीटर की इनकमिंग केबल से कट लगाकर 3 कोर केबल से 3.016 किलोवाट की विद्युत चोरी करने पर कार्रवाई की गई। जनपद उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के जिला एवं आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय व्यक्तियों के विरुद्ध चलाए जा रहे निरोधात्मक कार्रवाई के अंतर्गत काशीपुर पुलिस द्वारा एक अभियुक्त के कब्जे से एक अदद नाजायज चाकू बरामद कर उसे गिरफ्तार किया गया। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। जनपद उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के जिला एवं आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय व्यक्तियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत काशीपुर पुलिस द्वारा एक अभियुक्त के कब्जे से एक अदद नाजायज तमंचा 12 बोर व एक जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद कर उसे गिरफ्तार किया गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। काशीपुर से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।